यहाँ पर कौन सिटी से कौन बनाया है? चाइना। कौन बनाया है? चाइना। कौन से बंदरगाह को जोड़ के बनाया है? ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह को जोड़ के बनाया है अफगानिस्तान के कासरगढ़। अब मोदी जी क्या दिमाग में आया, चल गए किसके पास? ईरान के पास। ईरान के पास चल गए क्योंकि ईरान का पाकिस्तान संबंध बढ़िया है। ईरान का यहाँ पर कौन से बंदरगाह ले लिया? ग्वादर बंदरगाह। बंदरगाह को विकसित कर रहे हैं। अब बता हम बहुत बढ़िया दोस्त है कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है। बता हम ईरान अफगानिस्तान दोस्त दोस्त है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या किया? पहले बंदरगाह लिए, अफगानिस्तान को बोले तुरा कैसे गेहूँ पहुँचाएंगे? लॉकडाउन में 11 क्विंटल गेहूँ दिए थे किसको? अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ पर क्या किए? पूरा यहाँ पे विकास कर लिया, समझ में आया? यहाँ तक पूरा भारत क्या कर लिया? रोड बना दिया। अब रोड बना दिया, आप सोचिए, आप ध्यान से देखिए, बताइए यहाँ पर किया किया है मोदी जी? क्या किए मोदी जी? कुछ नहीं किया है। जीपी से थूरने का दिमाग लगाए, समझे ना? यहाँ से कोई भी दिक्कत होगा इन्हें से थूरेंगे। आपको पता है कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सीआरपीएफ, यहाँ पर मिलिट्री बैठाएंगे, यहाँ पर मिलिट्री बैठाएंगे, समझ गया ना? दोनों तरफ से पूर के सीपी से पता, समझ गया ना? अब जाइए, चाइना किसके सीपी से बनाया था? चाइना सीपीसी इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पे क्या करते, इसको बाईपास करके यहाँ बिजनेस कर सके। किसी को बाईपास करेंगे, सीपीसी बनाया। लेकिन बताइए यहाँ पर चाइना को किससे डर था? भारत से, कि यहाँ से लगा के अंडमान निकोबार से लगा के हमको क्या करेगा? तोड़ देगा। इसीलिए हम क्या बनाया? सीपीसी। लेकिन वहाँ पर जान के चाइना क्या हो रहा है और अटक रहा है। हालांकि ये प्लान अभी तक पूरा बना नहीं, लेकिन जिस दिन बन जाएगा उस दिन चाइना को पता चल जाएगा कितना बड़ा गलती क्या खर्चा करे, समझ रहे ना? इसमें ये होता है विदेश नीति, समझ गया? तो बताइए ये जो रोड बन रहा है यहाँ पर ग्वादर से जेडोंग, क्या है जेडोंग? ग्वादर से जेडोंग तक का रोड, चाबहार से जो जेडोंग तक का रोड है वो जो बना रहा है इंडिया, वो किसके जवाब के रूप में बना रहा है? सीपीईसी के जवाब के रूप में, समझ रहे ना? तो ये मोदी जी का क्या है? विदेश नीति। बताइए यहाँ का चाबहार बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? भारत का संसद, अफगानिस्तान का संसद कौन बना रहा है? भारत। अफगानिस्तान का संसद कौन बना रहा है? भारत। वहाँ पर ना बिजली घर बना रहा है, क्या बना रहा है? बिजली घर। और वहाँ पर सलमा बांध, कौन सा बांध? सलमा बांध कौन बना रहा है? इतना ज्यादा समझ ना, कोई चीज आपको बुलाए तो समझ जाइए काला बुला रहा काम बता चलते, जैसे बाबू जी साइकिल के बना चार बार घूम बोलेगा पापा पापा, समझ रहे ना? तब पापा का मूड ठीक होगा तो साइकिल पीना, समझ रहे? नहीं बोलता है भाई, बोल दे रहे बची बस ना, कुछ जा रहे जा रहे ऐसे होता है। ये बात समझ में आ गया? बोलिए गजनी कहाँ पर था? गजनी, गजनी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के काबुल के पास कौन सा क्षेत्र था? गजनी। अफगानिस्तान के काबुल का कौन सा क्षेत्र था? गजनी। के बगल में कौन सा था? कौन था? बॉर से कौन आया था? मोहम्मद। से कौन आया था? किसको लूटा था? कौन मंदिर? सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में, सोमनाथ मंदिर को लूट गया। लेकिन गजनबी एक बार चुरा गया था, यहाँ का शासक आज जो भारत में मुस्लिम धर्म का स्थापना है, मुस्लिम लोग किसका दे रहे हैं? मोहम्मद गोरी का दे रहे हैं। किसका? मोहम्मद गोरी। वही ना पढ़ा है मोहम्मद गोरी का, कौन आता है गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक जनसंख्या प्रभावित रहता है, समझ रहे हो? आज भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। याद है आपको समझ में आ गया? ये कौन सा देश है बोलिए तो? ये कौन सा देश है? मालदीव। ये कौन सा है? बोलिए मालदीव का राजधानी? कैसा देश है? मुस्लिम। देश पढ़ते उसको याद रखिए कि भारत के साथ कैसा संबंध है, भारत के साथ मालदीव का कैसा संबंध है? बढ़िया संबंध। पाकिस्तान के साथ 36 का अंतर, लेकिन अफगानिस्तान के साथ बढ़िया, ईरान के साथ बढ़िया। ठीक है, भारत से कुछ दिन पहले ईरान के अधिकारी को कौन मार दिया था? अमेरिका मार दिया। इसीलिए भारत पूरा अमेरिका है क्या गया, दबाव में आ गया। जब भारत इसको विकास कर रहा था ना, तो ट्रंप उसको बोलता था, अरे वो ची कर रहा हूँ, ईरान के लिए कहाँ जा रहा है, समझ रहे ना?
तो भारत थोड़ा सा दबाव में आ रहा है, ईरान का साथ धीरे धीरे क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ईरान बहुत अच्छा समझ रखना सिखा दो, क्योंकि ईरान में तेल क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे, लेकिन गड़बड़ कर दिया। तेल सस्ता मिलने के बावजूद भारत ईरान से तेल नहीं खरीदता है, क्योंकि ट्रंप कहता था कि उन्होंने खरीदा तो थोड़ा सा हम छोड़ेंगे। बीच में देखा ना कितना अच्छा भारत दुनिया का संबंध था, लेकिन आज जानते हैं कि ये वो दोस्ती की जगह दूसरा से क्या होता है, कभी कभी खराब होता है, वही भारत को नहीं चलना पड़ा, लेकिन भारत का दबाव नहीं चलना चाहिए, समझ रहे, कभी किसी का दबाव में कोई डिसीजन नहीं देते, तो छोड़ कर चलता है तो फिर क्या कीजिएगा। देखते हैं इजराइल को, इजराइल कुछ करता है क्या, कोई कुछ बोल रहा है, इजराइल अपने हिसाब से चलेगा। आपको समझ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े, सबसे अधिक अफीम कहाँ होता है, अफगानिस्तान में कितने देश बता दीजिएगा, चलिए बताइए, सबसे पहले उंगली सबसे पहले क्या आसियान में देश नाम बोले पहला उसका दह गया कौन, पूछे तो लगे की हाँ पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं की छतरा के मालदीव चाइना वैसे नहीं होना चाहिए, याद रहेगा नहीं रहेगा ना। चलिए अब चले आते हैं थोड़ा हम बांग्लादेश में, कहाँ है बांग्लादेश में, अब देखते बांग्लादेश के साथ क्या होगा, बांग्लादेश एक अमेरिका हिंदू से जुड़ा है, कहाँ से बांग्लादेश से जुड़ा है, देखिए क्या है बांग्लादेश से जुड़ा है, पता नहीं कहाँ है अमेरिका का भेलू देता है, नहीं ये कौन सा देश है बताइए, तो पहले क्या बोला था पूर्वी पाकिस्तान, क्या बोला था इसको पूर्वी पाकिस्तान, बात नहीं 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस आधार पर बांट के चला गया था कि भाई जन्ने मुस्लिम ज्यादा उन्हें पाकिस्तान, जन्ने हिंदू ज्यादा उन्हें हिंदुस्तान, तो इन्हें मुसलमान का जनसंख्या क्या था ज्यादा, इधर की मुसलमान का संख्या क्या था ज्यादा, इधर ये सब इन दोनों को क्या बना दिया गया पाकिस्तान, और दोनों का पाकिस्तान को किससे जानेगा, इसको बोल दिया पश्चिमी पाकिस्तान, इधर क्या बोल दिया पूर्वी पाकिस्तान, समझ में आया, अब देखिए पूर्वी पाकिस्तान अपने आपको ढेर होशियार समझता है, इसका ये जो है इस पर क्या करता था बहुत ज्यादा अत्याचार करता था यहाँ के लोगों पर, तो एक बार जब इलेक्शन हुआ ना तो क्या किया, यहाँ का जो यहाँ का नेता था तो इलेक्शन में क्या हो गया जीत गया, यहाँ के इलेक्शन में नेता खराब हो क्या हो गया जीत गया, ये बात किसको देख नहीं गया इसको, जैसे मान लीजिए किसी को टेस्ट में 9 नंबर आता था 90 नंबर ले आया पहले था कुछ आपका क्या होगा, देखिएगा आपकी पत्नी भाई की पत्नी को देखिएगा, एक भाई आगे बढ़ गया दूसरे को देखा है तो भाई इतना कर लो कुछ कर दो, समझ रहे ना, इस तरह से था, अब इसको देखा नहीं गया, इसके लिए क्या करने लगा कि इस पर अत्याचार करने लगा, तो अब यहाँ पर बताइए कि दोनों विवाद हुआ कि नहीं हुआ, कि दोनों में विवाद हुआ, उसका फायदा उठाया कौन, भारत में उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी बोलिएगा रे थोड़ा पर इतना जुलूम करता है, काला प्रमुख का दो दूर पता है हमारे पास सुनने के लिए कौन सी जगह फूल है चाहिए, हम तो देख तो चुप करो, हम तोरा क्या देंगे साथ, लेकिन भीतरिया साथ देंगे, बाहर से हम बदनाम ना करना, समझ रहे ना, भाग बोला कि तोरा हम देंगे पति हथियार, तोरा हम देंगे आदमी, तोरा मिलिट्री, कहा कि हम अपन आदमी तो भेजेंगे लेकिन तू अपन कपड़ा पहनाना अपना मुहर मार के, समझ रहे ना, यहाँ बताओ यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम था क्या नाम था मुक्ति वाहिनी, यहाँ बैठा दिया अपना आदमी को, उसको पहना दिया मुक्ति वाहिनी का ड्रेस, कहा कि देख अब तो ये सब बांग्लादेश लगने लगा था, कहा था कुछ यहाँ के भी लोग यहाँ पर बसे हुए थे, अब यहाँ पर मार काट करने लगा, समझ गया पूरा बांग्लादेश को रद्द कर दिया, काट काट के अब बांग्लादेश बोल रहा है भारत में पैसा कहा कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं,
अभी कान बोला भारत की आपस में कहाँ करे, बोला हम कहाँ कर रहे, बोले यहाँ की मुक्ति वाहिनी कर रहा है, हम थोड़ी बोले जानते, वो थोड़ी जानते कि पाकिस्तान जी, पाकिस्तान समझ गया कि भारत मानने वाला नहीं, ये चल गया किसके पास, अमेरिका के पास। अब बताइए अमेरिका का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, हाँ तो सुनिए अब यहाँ पर एक मैं बताइए बता दें अब यहाँ से ये कहाँ गए, यहाँ से ये कहाँ चला गया, किसके पास, पाकिस्तान, सॉरी भारत में, पाकिस्तान किसके पास गया, अमेरिका के पास, किसके पास गया, अमेरिका के पास। अब पाकिस्तान अमेरिका के पास क्यों गया बताइए, तो क्योंकि उस समय भारत और अमेरिका और भारत में अच्छा संबंध था क्या, नहीं था। अमेरिका मौके खोज रहा था कि तुरा लिपटे वाला आपका बदला हम क्या करेंगे, टिकैले का तो आप भी टिकैले होंगे, खाली बाहर गए नहीं, स्कूल में मास्टर कुछ बोल देता था ये बन चुके तो बाहर साइकिल निकाले ना जाएगा तो देख लेंगे, वही बात था। अमेरिका टिकैले था, क्या टिकैले था कि तुरा तो हम लिपटे वाला निकालेंगे तो लिपटी देखो ऐसे क्या होता, अब देखे अब अमेरिका को जैसे पता चलता है कि भारत यहाँ घुसा के बांग्लादेश को बर्बाद कर लिया है, पाकिस्तान चल जाता है अमेरिका के पास, अमेरिका के बोलता है चाचा माँ कैसे हमारा मना कर दे, कैसे बचा लेने का उसको बर्बाद कर देगा, हमारा पाकिस्तान दूर देगा कौन, भारत। वहाँ से कौन भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, बताइए इन्हें अमेरिका है कि नहीं, बिहार से थोड़े खींच के लाएंगे, समझिए यहाँ से ही चलाया, यहाँ से अमेरिका भेजा, अमेरिका वहाँ पर बहुत सारा नाव का जो अच्छी होता है जो उसको बेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेरा, तो साथ एक ग्रुप पूरा लेके यहाँ से अमरीका भेजा, समझा यहाँ से अमरीका आ रहा था, यहाँ पहले से अंग्रेज ब्रिटेन बैठल था, समझ रहे यहाँ कौन बैठल था, ब्रिटेन, यहाँ ब्रिटेन बैठल था, तो अमरीका पूछता है कहरा रुकल है, तो बोलते नहीं आता है, हाँ तो बोला कहरा रुकल है, बोलता हम नहीं जानते भाई कहरा रुकल है, बता रहे अब यहाँ पर बैठा रहता है कौन, लंदन वाला बैठा था, जूता कहीं वही भारत में क्या करके गया था, समझ रहे ना, इसलिए देखते हैं कभी कभी शेर को सुबह सुबह को शेर बनना पड़ता है, चुप्पे यहाँ बैठा था कि काहे बैठा था, देखिए अब जैसे ही भारत को पता चला, कि अमेरिका आ रहा है, तो भारत समझ गया था कि कल को मौका मिलेगा अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, तो भारत बोला गांधी जी ऐसे इंदिरा गांधी फोन की रूस को है कि नहीं, ऐसी महिला से पटियाने में बहुत होशियार होती है ना, फोन करके बोली कि चाचा याद कीजिए लिट्टे लिट्टे याद कीजिए, ठीक ठीक तो बोला तुरा ऐसे मार रहा है, चल ये बेचारा इधर से भेज दिया है ना, इधर से भेज दिया किसको मदद करने के लिए, भारत को, रूस भेज दिया अपना सेना ने, किसको भेज दिया भारत को मदद करने के लिए, जब यहाँ से पूछा ना अमेरिका एक से कहना रुकल है, और बाप भरा वहां जाकर ले, अब अमेरिका रूस क्या सेटिंग कह लेता, रूस सेटिंग कह लेता यहाँ पर जहाज में कि देख हमारा चारों तरफ यदि इतना दूर से कोई इतनो इंडर आया अंदर आया इस क्षेत्र के अंदर तो हमारा ऑटोमेटिक सेट कर है, हम कुछ नहीं किया, हमारा जहाज किया है, बेचारा दुनो यहाँ कहा के रे चलने में भलाई होता है, छूटा गौतम हो जाएगा, बेचारा अमेरिका जितना बढ़िया से आया था उतने बढ़िया से निकल गया, हमारी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, 1971 में ये देश क्या हो गया, ये थी इंदिरा गांधी, अभी भारत से वो पीओ के नहीं ले आ रहा, समझ रहे के पाकिस्तान को लगता है, ये कब हुआ था 1971 में, यार कब हुआ था 1971, ठीक है समझ गया पूरा, कारगिल यूज किया कि यूज सब पढ़ा तो जाते हैं, इतना याद रहेगा, हाँ रिवीजन करवा दे, कोई दिक्कत है क्या, बोले लिखते लिखते कहाँ का समस्या था, श्रीलंका, माओवादी कहाँ का समस्या था, नेपाल, तालिबान कहाँ का समस्या है, अफगानिस्तान, तालिबान कहाँ का समस्या है, अफगानिस्तान, सोचिए पाकिस्तान सब इतना खराब है कि पाकिस्तान का आतंकवादी कुछ ऐसा थे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के स्कूल में घुस करके जो छोटे छोटे 4 साल के बच्चों को उसका हत्या कर दिए थे, बच्चा लोगों का, समझे इतना खतरनाक, यूट्यूब पे भी कर दी, गूगल पर फोटो दीजिएगा तो आपका देख आप जाएगी, बताइए इतना खराब होता है आतंकवाद, समझ गया ना, लड़ना चाहिए अरे तो सुन लिया सीना सुने लड़ा के बोलते धीरे में लड़ते हैं मम्मी लगता, देखिए औरत लोग धीरे में लड़ती है, नहीं औरत लोग कैसे लड़ती है, ये दूसरा रहते थे आतंकवादी को समस्या क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, आतंकवादी को खत्म करने के लिए कौन साथ देता है, अभी भारत साथ दे रहा है, अमेरिका सब क्या दे रहा है, साथ दे रहा है, भारत अफगानिस्तान को क्यों बंदूक दे रहा था कि आपने आतंकवादी समस्या क्या हो जाए, खत्म हो जाए, समझ में आया, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े